प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मुर्तिद, सलाम अल मसीह, पीस ऑफ क्राइस्ट बी विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू गाइस आर हैविंग फन। इसी इबारत की वजह से इनको छोड़ा था। नहीं नहीं, और अब भाई मेरा मसला आपको मैं बता देता हूँ। मैं कट्टर बूथ परस्त था पहले, आप समझ लीजिए कि कौन क्या रहा हूँगा मैं। बरेलवी थे? बरेलवी थे तब। मैं बरेलवी नहीं था, मैं एक ब्राह्मण हिंदू था। अच्छा, अरे दे 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 दे। ग्रेट, ये तो एक्स हिंदू है। एक्स हिंदू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्स हिंदू के साथ मैं बहुत बेहतरीन बातें करता हूँ। हाँ तो करिए ना। अच्छा, करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आला हजरत की, यानी आला हजरत तो ब्लास्फेमस आपने कह दिया ना कि उन्होंने गुस्ताखे रसूलिया, यहां तक आए फिर आपसे दूसरी बातें करते हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि आला हजरत ने गुस्ताखी, गुस्ताखे? तो फिर मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स फरमा रहे हैं, राइट? नहीं, आप इबारत पे फतवा लगा दीजिए, जिसने भी ऐसा बोलता है जो वो गुस्ताख है। जो भी ये बोलता है कि मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स लगा रहे हैं 13 औरतों के साथ, चाहे बारी बारी चाहे इकट्ठे, वो गुस्ताख है यार। मीनवाइल हमारे शिव जी जो है वो शिवम डुबे जी के उस पे आना चाह रहे हैं। इन्होंने पहले भी $19 भी भेजा है और भी भेजा था, अभी इन्होंने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे शिवम डुबे जी, क्या बात है। शिवम डुबे जी अभी है क्या? नहीं है। आई डेफिनेटली वॉन्ट के शिवम डुबे जी जो है वो थोड़े देर के लिए लास्ट में ज्वाइन कर ले। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है तो उनका हक बनता है दो लफ्ज जो है लोगों के सामने बोले। व्हाई ही सपोर्टेड सो मच फॉर दिस मोमेंट। बेशक बेशक। हाँ, तो पहले ये अब्दुल्ला मेहरानी साहब को निपट लेते हैं। हाँ। यानी बात कर लेते हैं उसके बाद। मेहरानी साहब इस स्टेटमेंट पे फतवा लगाएं। सपोज कर ले, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मोहम्मद साहब अपनी कब्र में अपनी 13 बीवियों के साथ डिंग डोंग फरमा रहे हैं, मेरे ऊपर फतवा लगाए। मैं सर फतवा तोहीने रसालत की है अभी कि नहीं की है? आपके ऊपर नया फतवा की तो कोई जरूरत ही नहीं बची है ना सर। हाँ, मैंने ये स्टेटमेंट जो बोली है, ये मैंने स्टेटमेंट गुस्ताखे रसूल की बोली है कि नहीं? ये आपने बोली और ये गुस्ताखे रसूल की कैटेगरी में आता है। आप जो है जो किसी किताब के हवाला दे रहे हैं उस हवाले को पढ़ के बताइए। भाई ने पूछा आपके पाँव कहाँ हैं, उन्होंने आपके पाँव को छूना है अभी थैंक यू करने के लिए, आपको चरण स्पर्श करने हैं उन्होंने। एडम, मैंने मरहूम नहीं कहा। आप नहीं नहीं भाई, मैं तो सिर्फ एक्चुअली मैं तो आपकी स्ट्रीम में सिर्फ इसलिए आया था और ये बात करने आया था कि मुझे अभी जब स्ट्रीम सुन रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि आप क्रिश्चियन हो गए, तो बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे को। अब आप जो है ना वो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हैं फॉर अरे भाई, रात को 1 बजे का ऊपर हो गया समय के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं तो सिर्फ ये मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक अच्छा, मुझे ये बताइए। हाँ, बोली। आपने इस्लाम को कबूल क्यों किया? वो वाली हुज्जत दे मुझे। Why did you accept इस्लाम? मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि एक फिजरतन जो है मेरे को अंदर से ऐसा लगता था कि बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती, यानी कि कोई किताब पढ़ के नहीं, इस कुरान पढ़ के नहीं, हदीस पढ़ के नहीं, बस फितरतन। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, पहले मैंने कुरान का तर्जुमा, मेरे सुनिए, मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा था मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब का। अच्छा, और उस तर्जुमे को पढ़ने के बाद में मैंने जो सूरह इखलास के अंदर जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, सूरह इखलास खोले जी मेरे सामने, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, मुझे जरा सूरह इखलास में बताएं वर्ड अहद कुरान में कितनी दफा और यूज हुआ है सर? ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ कितने से क्या मतलब, ये क्या बात हुई? आपने कुरान पढ़ा, आपने कुरान पढ़ने के बाद आपने छोड़ा इस्लाम को, सॉरी कबूल किया इस्लाम को, और आपने सूरह इखलास की वजह से। एक सेकंड, लेट मी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट ताकि आपको जवाब देने के लिए पूरी मुफस्सल चीज हो। आपने सूरह इखलास को पढ़ के इस्लाम कबूल किया, आपने सबसे पहली जो मुझे हुज्जत दी है वो सूरह इखलास की दी है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सूरह इखलास में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद, ये कुरान में और किस किस जगह पे यूज हुआ है, क्या बता सकते हैं आप? नहीं, लिटरल सेंस में अहद वर्ड जो है वो लिटरल सेंस में कहाँ यूज हुआ है ये नहीं बता सकता मैं,
और चौथे पारे चौथी सूरह के अंदर आयत नंबर 152 और सूरत नंबर 112 की भी आखिरी आयत के अंदर। लेकिन इन तमाम जगहों पे किसी भी जगह अहद का मतलब अगर आप सिंपली वन कर दोगे, एक कर दोगे, वन एंड ओनली कर दोगे, तो सेंटेंस का मतलब ही नहीं बनेगा, सेंटेंस का मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन कुरान में सूरह इखलास में अहद का मतलब वन क्यों लिखा जाता है, मुझे ये समझा दें आप। मैं अभी के अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं, अभी के अभी, बाद में नहीं, आज अभी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड अहद इज नॉट वन, इट इज नॉट वन, इट मीन नॉट लिटरल। कुरान में किसी भी जगह पे अहद का मतलब वन नहीं दिया जा सकता, किसी भी जगह पे, किसी भी और जगह पे वन ऑफ है, वन ऑफ समथिंग, एक में से, मेनी में से एक, बहुत से में से एक। कुरान के अंदर अहद जहां जहां यूज हुआ हुआ है वो एक में, बहुत में से एक के तौर पे लिया गया है। वाहिद का मतलब होता है एक, और अगर उसको किसी इकलौती हस्ती के लिए लेके जाना है तो अरबी का वर्ड होता है अल वाहिद, दी वाहिद, उसके अंदर अल की प्री रिक्विजिट लगा दी जाती है, जिसे कहते हैं, जो कि उसको प्रॉपर नाउन बना देता है, अल वाहिद। यहां पे वर्ड अल वाहिद नहीं है, यहां पे वर्ड है अहद, और अहद मैंने आपको सूरत आयतें दिखा दी कि इन तमाम आयतों में अहद का वर्ड लिखा गया हुआ है। किसी भी जगह पे उसके ट्रांसलेशन एक नहीं हो सकती, किसी भी जगह पे, यहाँ पे एक। आप मेरे को बताइए कि अभी इसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या होगा इस वर्स का? ये वर्स इनकम्प्लीट है, कुल हुवल्लाहु अहदुल आलिहात होना चाहिए, एक नेक्स्ट आगे कुछ होना चाहिए। किस में से एक है? खुदाओं में से एक है, बहुत सारे खुदाओं में से एक है, या अहदुल तमासील, बहुत सारे बुतों में से एक है, ये होना चाहिए। अहदुल रब्बात, बहुत सारे रबों में से एक रब है, मगर अहदुल असनाम, असनाम, बहुत सारे स्टैचूज में से एक स्टैचू है। लेकिन किसी भी सूरत में अहद पे आयत खत्म ही नहीं हो सकती, ये स्टूपिडिटी है। Allah is one of what? One of humans, one of gods, one of but, one of statues, one of rocks, one of what? Incomplete आया है। तो भाई जितने भी तर्जुमे जो उसके कुरान के अवेलेबल हैं, आप मेरे को एक बात बताएं आप। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे, कुछ नहीं है, मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक है, तो आप पूछेंगे ना एक क्या, तब मैं कहूंगा मेरे हाथ में एक कॉपी है, मेरे हाथ में एक पेन है, कहूंगा ना ऐसे। हाँ तो इसमें वर्ड अल्लाह आगे आ तो रहा है क्या? अच्छा, अब समद का मतलब बताएं, सेकंड आयत अल्लाह समद। सर आपकी सूरह के बस पूरी सूरह इखलास का अतिया पांचा करने को तैयार हूं। कुलु अल्लाह अहद के बाद अगली आयत होता है कि सर अहद खत्म हो गया, कुलु अल्लाह समद, समद का मतलब बताएं, मतलब बेनियाज है, मतलब अगर उसको इंग्लिश में बोल बोले तो एक और झूठ, एक और झूठ। आपके तिबरी अहद की आठ ट्रांसलेशन देते हैं। अहद वो पत्थर है जो इटरनल, इंग्लिश में एब्सोल्यूट इटरनल बोलेंगे अपन। अब भाई अहद समद की आठ ट्रांसलेशन है तिबरी के मुताबिक। अहद समद वो पत्थर है जो अंदर से हॉलो होता है। वहां पे मक्का में कुछ पत्थर होते थे जो अंदर से एम्प्टी होते थे, उसके अंदर पहर डाले जाते थे, जिसको आजकल आप लोग गल्ला बोलते हैं, वो पैसे डालने वाला गल्ला था, उसको समद बोलते थे। फिर वो कहते हैं वो चिकना पत्थर है जिसके ऊपर पानी डालो तो चिकन के चिकन चिकना होकर बाहर निकल आएगा। और अहद एक काला पत्थर है, अल्लाह अहद एक समद, सॉरी समद, समद एक ऐसा पत्थर है जो काला है, नहीं नहीं, समद एक ऐसा पत्थर है जो चिट्टा है, नहीं नहीं, समद एक ऐसी चीज है जो के वजनी होती है, नहीं नहीं, समद एक ऐसी चीज है जो पानी में डूबती नहीं है। भाई आठ ट्रांसलेशने देता है अत्तिबरी आपको वर्ड समद की, क्योंकि ये अरबी का वर्ड ही नहीं है। उसके अलावा तफसीर इब्ने कतीर समद को बताता है कि जो कुरैश मक्का के लोग हैं वो असनाम यानी कि बुतों की पूजा करते थे, उनमें से जो एक बुत था उसका नाम था असमद, उसमें से एक बुत का नाम ही समद था, तो एक बुत था वहां पे जिसका नाम समद था, मोहम्मद ने ले लिया, कुल अल्लाह अल्लाह समद। किसी मुसलमान को अंब का पता नहीं कि समद का मतलब क्या है। आजकल के ट्रांसलेटर बेहतरीन डिसेप्शन के साथ उसका एक मतलब लिखते थे जो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप अर्ली अरबी जानने वाले लोगों की तफसीर पढ़े जो कि अरबी में ही लिखी हुई है, वहां पे समद के ढेर सारे मीनिंग है। अरबी पढ़नी आती है? अरबी पढ़नी आती है अभी? नहीं नहीं, मैं अरबी नहीं पढ़ पाऊंगा। ओके, तो फिर इसका मतलब है जाके आपको, आपने इस्लाम कबूल कर लिया सरफेस लेवल पे। द डेविल
इज इन द डिटेल। वही वही सेम जैसा टीना जी का मामला हुआ था वैसी हमारे अब्दुल्ला मेहरानी साहब का भी मामला हुआ है, बस ऊपर ऊपर शुगर कोटेड चीज देख के समझ गए कि इस्लाम ही सच्चा है। सर कॉमन सेंस है ना, ये एक पोली चीज है, बूथ पर रस्सी, यही तो बता रहा हूं कॉमन सेंस नहीं है। आज से झूठ बोला जा रहा है, कॉमन सेंस है यार, आज से झूठ बोला जा रहा है। अच्छा चले कॉमन सेंस की बात, मेरे को नहीं मेरे को किसने, लेट्स से लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, कॉमन सेंस की बात, फॉरगेट एवरीथिंग, आपको अरबी आती नहीं, आपसे बहस करने की जरूरत नहीं, फॉरगेट एवरीथिंग, कॉमन सेंस। अल्लाह मियां के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं आपको पता है? जी जी, कौन कौन से चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम दे। आप सूरह इखलास में समझ लें आप जो एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, هو الله لا اله الا هو الحي القيوم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار اسماء کی بات کر رہے ہیں نا آپ اسماء حسنا اس کے ایٹریبیوٹس ہیں نا اسماء حسنا ہر اسماء حسنا جو ہے اسماء حسنا کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی صفت ہیں صفت تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اس میں ایٹریبیوٹ شکر ہے نہیں نہیں وہ نام آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نام ہے اللہ کے نام ہے تو ہر نام ایک ایٹریبیوٹ کو شو کر رہا ہے نا صفت کو شو کر رہا ہے نا हाँ तो इसको एट्रीब्यूट ही बोलेंगे, नाम कैसे बोलेंगे? एट्रीब्यूट तो वही ना, एट्रीब्यूट सही है, ठीक है, कोई मसला, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, सिफतें हैं। अल्लाह की सिफत में से, अल्लाह की सिफत में से एक सिफत है रहमान की, जी राइट, रहीम की, राइट जी, कादिर की, राइट जी, कहार है वो, राइट, जब्बार है वो, राइट जी, खालिक है वो, राइट जी, अच्छा मुहिब भी है, प्यार भी करता है कुछ लोगों के साथ। ओके ये मैंने चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम लिए हैं, लॉजिक पे बात करेंगे अब सिंपल, ठीक है, सिंपल लॉजिक, कोई कुरान नहीं, कोई कुछ नहीं। कुरान ये बताता है कि अल्लाह मियां ने जब दुनिया नहीं क्रिएट की थी उस वक्त वो अकेला था इस दुनिया में, और कोई नहीं था उसके साथ, करेक्ट जी, सच्ची बात है, मानते हैं इस बात को, कोई और नहीं था उसके साथ, बेशक 100% आपको इस पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि अल्लाह अकेला था उस वक्त, बिल्कुल, अगर कायनात अल्लाह ताला ने तामील नहीं की है तो बेशक वो अकेला ही हो, उसके पास कोई फरिश्ता नहीं था। आप अगर उस मखलूक की बात कर रहे हैं जो जिनका जो जो इंसानों से 20,000 साल पहले बनाई गई थी, मैं उससे भी पीछे जा रहा हूँ, कोई बंदा नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था, अल्लाह अकेला, कल्लम कल्ला, राइट, अकेला, बिकॉज ही इज एवर देयर, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, करेक्ट, नहीं सब भी आता ना कि इंसानों की जो रूहें हैं, और रूहें भी क्रिएट की हुई है ना, उस क्रिएशन से पीछे चले जाओ, उस वक्त अल्लाह अकेला था, कल्लम कल्ला, अरे अल्लाह कहता है ना हुवल अव्वलु, सबसे पहला अल्लाह है, जब पहला था तो बाकी नहीं थे, तभी तो पहला है ना भाई, राइट, हाँ बोलिए, आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ही नहीं पता भाई, हेलो क्यों टेंशन ले रहे हो, बोलो ना, अल्लाह अकेला था हमेशा से, वो उस टाइम पे अकेला था, हाँ या ना, मुसलमान किस हिसाब से हो गए अगर तुम्हें ये वाली चीज नहीं पता तो, हेलो बोंगे, अल्लाह अकेला, लॉजिक पे बात कर रहा हूँ मैं, लॉजिक पे बात कर रहा हूं, हां चलिए, हां ठीक है, अल्लाह अकेला था, कोई उसका शरीक साथ, थैंक यू सो वेरी मच, कोई उसका शरीक नहीं है, अल्लाह अकेला है, ओके, अब अगर अल्लाह अकेला है, साइकोलॉजी 101 पर आती है कि अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं और आपके पास बात करने वाला कोई नहीं है, एज ए ह्यूमन आपके अंदर कुछ सिफात है, सिफत बोलने की, अल्लाह कहता है उसका कौल, वो कलाम करता है, अल्लाह समात करता है, लिसन करता है, ही लिसन, अल्लाह समात करता है, अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह को अपनी अपनी सिफात को कंप्लीट करने के लिए इंसान बनाने की जरूरत थी, ही हैड टू क्रिएट ह्यूमंस, ही हैड टू क्रिएट फरिश्ते, ही हैड टू क्रिएट जिन, वरना वो अपनी सिफात में इनकम्प्लीट था, वो अपनी सिफात दिखा नहीं सकता था, दुनिया की कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट होगी वो खुदा नहीं हो सकती, आप इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, आपने कहा था आपने लॉजिक की वजह से इस्लाम कबूल किया, लॉजिक की फर्स्ट लॉजिक साइकोलॉजी 101, लॉजिक 101 के ऊपर आप फेल करते हैं आपका अल्लाह मियां, कैसे इस्लाम कबूल कर लिया आपने? अब ये आप मैं... जो इतनी जो बातें कर, ये मेरी बात सुनिए, आप जो इतनी बातें कर रहे हैं आज, आप ये आपको जब आपको इस्लाम से जब आपका कहते हैं वो एक मोह भंग हो गया,
आप 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 नहीं, ये मुझे हुज्जत ना दे, मुझे ये बताइए कि कैसे वहां पे अल्लाह कंप्लीट कैसे था। अगर वो कंप्लीट नहीं था तो उसको ह्यूमन क्रिएट करने की जरूरत थी। जिस भी बंदे को ह्यूमन क्रिएट करने की जरूरत हो या किसी चीज की जरूरत हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो ह्यूमन हो सकता है, कोई क्रिएटेड चीज हो सकती है, गॉड नहीं हो सकता। गॉड हैज टू बी कंप्लीट विदाउट एनीथिंग एल्स, किसी भी और चीज के बगैर खुदा कंप्लीट होगा। अगर वो कंप्लीट नहीं होगा वो खुदा नहीं है, दैट इज लॉजिक। आपने कहा था आपने लॉजिक की बेस पे इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की तो लॉजिक एबीसीडी में रह जाती है। नहीं, अगर आप ये जो बता रहे हैं ये आप किसी भी रिलीजन के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं, मैं किसी भी रिलीजन पे अप्लाई कर दूंगा कोई मसला नहीं है। अभी मुझे यहाँ तो आप इसे तो आपको डिनाई करना पड़ेगा क्रिएटर के एग्जिस्टेंस को। भाई मैं क्रिएटर के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ क्रिएटर है, लेकिन अल्लाह अकेला है, बाकी सारे क्रिएटर अकेले नहीं है, उनके पास कुछ ना कुछ था, कोई ना कोई और था। यहाँ पे अल्लाह अकेला है यूनिटी के अंदर। अब वहां तो आप और नहीं है, फॉर एग्जांपल आप मेरे को एक नहीं नहीं आप एग्जांपल की बात बताएं ना मेरे को। लिसन, फॉर एग्जांपल की बात नहीं है, अभी आपने लॉजिक पे इस्लाम कबूल किया, हम लॉजिक पे इस्लाम को देख रहे हैं, किसी और रिलीजन को नहीं देख रहे, देख लेंगे बाद में। पहले आप बताइए क्या लॉजिक, जो आपने कहा आपने लॉजिक पे इस्लाम कबूल किया, क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होती है इस्लाम पे, ये वाली लॉजिक जो अभी आपको बताइए मैंने। भाई ये लॉजिक अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये इट विल नॉट अप्लाई टू एनी रिलीजन, एनी क्रिएटर, एनी गॉड। अच्छा पहले 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 ये तो मान लेना एडम, पहले ये तो मान लेना कि इलॉजिकल है, फिर ये दूसरे रिलीजन पे जाए। बेशक पहले ये मान तो ले कि इलॉजिकल है, फिर दूसरे रिलीजन पे चले जाना। और जब तक ये मान लेते हैं, मोमिन की जलेबियां जिन्हें 2000 रुपीस का सुपर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन की जलेबियां। कह रहे हैं पंडित जी क्या है, जनियू फेक तो नहीं दिया था, आज रात को फिर से ढूंढ लेना, उम्मीद है शादी के चक्कर में तुम मोमिन बन गए। जनियू ढूंढ लेना, ब्राह्मण थे ना ये। अच्छा जी, ब्राह्मण थे। हाँ तो ऐसे तो पहले धागा उतारा, इतना अच्छा धागा पहना हुआ था उन्होंने। चलें आगे चलते हैं, इसका जवाब दे मुझे। पहले ये मान ले कि इलॉजिकल है, उसके बाद फिर ये बोले कि ऐसा तो कोई गॉड हो नहीं सकता या सब में बुराई है। पहले ये तो मान ले कि इलॉजिकल है, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो इलॉजिकल है, पहले ये मान ले फिर आगे बढ़े। जी अब्दुल्ला भाई, पहले पहले आप, जैसे आप एडम भाई जो है प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, तो उनको ये मानना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी भी गलत है, मतलब जो ठीक है वो मनवा लेना भाई, पहले ये कॉन्सेप्ट गलत है वो तो बोल दो। ये बोल दो फिर मैं वहां पे भी तुम्हें इसका जवाब दे देता हूं, ये बोल दो पहले। नहीं, ये नहीं बोल सकता मैं, आप इसको भले इलॉजिकल, आप इसको इलॉजिकल समझे, आप इलॉजिकल समझे आप, तो आप नहीं नहीं आप उसको लॉजिकल प्रूव करो ना अब्दुल्ला। देखो अब्दुल्ला भाई, ये इसको जीत कहते हैं, सुनो सुनो अब्दुल्ला भाई प्लीज सुन लो ना मेरे भाई, प्लीज सुन लो ना, हम आपको सुन रहे ना। मैं बोल रहा हूँ कि इसको जिद कहते हैं अभी, कि भाई इलॉजिकल आपके समझ में आ गया तो भी मैं नहीं मानूंगा। ये कर देता है इस्लाम आप लोगों के साथ, ताला लगा देता है आपके अकल पे, ताला लग जाता है कि जो चीज इलॉजिकल है उसके लिए भी आप साफ साफ कहते मैं नहीं मानूंगा। या तो आप उसको लॉजिकल प्रूव करो, या तो मान तो लो कि हाँ इलॉजिकल है। ये कैसी जिद हो जाती है यार एक इंसान मुसलमान बनने के बाद, मैं मानूंगा ही नहीं इस्लाम गलत है। भाई एक बात बताया मेरे को आप, कि आप जो है ये देखो अब्दुल्ला भाई, या तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एडम ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो इलॉजिकल है, या तो आपको मानना पड़ेगा हाँ इलॉजिकल है, उसके बाद आगे बढ़ो। अच्छा कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका गोत्र कौन सा था जब आप ब्राह्मण थे, आपका गोत्र क्या था? सर वो थोड़ा एक सीक्रेसी तो रखना पड़ेगी ना सर। गायत्री मंत्र सुना दे, चलिए मुझे मुझे भी किसी ने कहा था कि हिंदू है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ये तो हम सबको भी आता है अगर आपको सुना। नहीं लेकिन गोत्र, नहीं नहीं जो जो गोत्र पूछ रहे, नहीं नहीं एक मिनट रुको, अरे रुको ना यार, रुकते नहीं तुम, लेकिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे को गोत्र वित्र तो पता नहीं है, तो गाइज लेट मी नो कि ये गोत्र जैसा, ये इसके जैसा है क्या, जैसा आधार कार्ड नंबर कोई बता रहा है कि आधार कार्ड नंबर बता दिया तो प्राइवेसी नहीं रहेगी, ऐसा है क्या कुछ गोत्र? नहीं, गोत्र नहीं, बताने से क्या तो ये गोत्र बताने से इनकी, गोत्र बताने से इनकी वो कैसा पता चल जाएगी प्राइवेसी कैसा? नहीं 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 वो जो पूछ रहे हैं उनको बता दीजिए कि मेरा गोत्र जो है पारिक है, पारिक
अच्छा अभी मैंने गूगल कर लिया टाइम लेके तो ए आर डबल ई के पारिक। हाँ ये गूगल किया है इन्होंने, ये गूगल किया है। अच्छा गायत्री मंत्र सुनाइए, गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र सर मैं गाय को सुनाऊं गायत्री मंत्र? अगर आपको नहीं आप बच्ची फंस गई, बच्ची डर गई, बच्ची डर गई। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं फेक आईडी पे आया हूं तो आप मान लीजिए माने। अच्छा चलिए अपने हमारे वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, वो सवालों के जवाब मिल गए सबको, सब लोगों को पता लग गया आप कितने बड़े हिंदू थे। ब्राह्मण थे। लॉजिक 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 वाली बात पे आ जाए वापस, क्या कहते हैं नहीं सर, अगर एक एक अगर आप एक लॉजिक को यूज करना चाहते हो तो उसको यूनिवर्सली यूज करें ना आप उस लॉजिक को। नहीं नहीं मैं यूनिवर्सल यूज करूंगा अभी अभी करूंगा, पहले इस पे इस्लाम को बता दें। तो दोस्तों ठीक है आप अपने आप से शुरुआत कीजिए फिर उस लॉजिक को यूज करना। मैं करूंगा, आप अगर ये लॉजिक बता दें, आप उस लॉजिक को यूज करके आप फिर आप एथिस्ट होने की बजाय अभी भी क्यों रिलीजन में बिलीव कर दें। अच्छा तो चले मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि तीन अकानीन है, फादर सन एंड होली स्पिरिट। सो बेसिकली कोई भी फादर सन एंड होली स्पिरिट वो तीनों अपने साथ कंप्लीट थे, मुकम्मल थे, अपनी हर प्रॉपर्टी एक दूसरे को दिखा रहे थे, फुल स्टॉप एंड फाइनल एट्रीब्यूट सारे के सारे वो एक दूसरे को दिखा सकते थे, कभी भी उन्हें क्रिएशन की जरूरत नहीं थी। नाउ कम बैक टू अल्लाह, नाउ मैंने आपको जवाब दे दिया उसका, अब अल्लाह पे आते हैं, अल्लाह अकेला है। ना समझ में आए, लेकिन अभी ये जो फिलहाल आपका जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम दे रहा है हुवल अव्वल वाला, उसमें उसकी सिफत जो है वो पूरी नहीं हो रही है, वो इलॉजिकल साबित हो रहा है, तो इसको मानती क्यों नहीं आप? या तो ये कहो कि ये लॉजिकल कैसे है, कब से हम लोग हम आपसे सवाल कर रहे हैं, या तो बोल दो कि भाई लॉजिकल इलॉजिकल है तो भी मेरी जिद है कि मैं इस्लाम को ही सच्चा मानूंगा, मसला खत्म। लोगों को आपकी सोच मालूम पड़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो इस्लामी हक है, है ना, चाहे इलॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल, आपको आपको लग रहा है इलॉजिकल, तो साबित करो ना कि हम इलॉजिकल जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। आपने इसको जवाब दिया ही नहीं, मेरी बात सुनिए आप एक लॉजिक पटकेंगे अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके अपनी तरफ से उसको। अरे तो आप अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसको लॉजिकल साबित तो करो, आपने तो कोशिश भी नहीं की है, आपके हिसाब से कैसे लॉजिकल है ये बताओ। देखिए एक 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 इस्लाम का एक कंसेप्ट है कि जो गैप की बातें जो है, ये हमारे फाइव सेंसेस जो है, गैप की कहां बात है, ये छुपी हुई बात है, ये तो अरे अल्लाह ने बताया ना हुआ लव अल्लाह ताला के बारे में, आप बताएं अल्लाह ताला के बारे में, एक इंसान सिर्फ उतना जानता है जितना। लॉजिक पे बात कर रहे हैं, लॉजिक पे रहें। हाँ हाँ तो लॉजिकली लॉजिक की तो बात, मुझे बताएं कि ये लॉजिक जो आपको अभी समझाई है वो बताएं बस प्लीज, वो बताएं मुझे, मुझे उसको 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 पता लगना है। लॉजिक पे आपने कहा था अल्लाह पूरा उतरता है, मैंने इसलिए इस्लाम कबूल किया, अब मुझे लॉजिक बता देंगे कि इसमें लॉजिक कैसे है? अल्लाह तो अपने एट्रीब्यूट्स में इनकम्प्लीट है, ही नीड्स समथिंग। देखिए 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 अल्लाह को जरूरत है, जरूरत समझते हैं आप, जरूरत समझते हैं, जरूरत का मतलब समझते हैं, नीड नीड, इफ एनी गॉड नीड्स समथिंग इसका मतलब है ही इज नॉट गॉड, चाहे वो बाइबल का खुदा हो, चाहे वो हिंदू का खुदा हो, चाहे वो मुसलमानों का खुदा हो, वो खुदा नहीं है, फुल स्टॉप, आई डोंट केयर। आप क्रिश्चियन खुदाओं को मनवा दे के लॉजिक में उसके पास कोई नीड थी, मैं मान दूंगा वो खुदा नहीं है, मगर राइट नाउ हेयर जो लॉजिक मैंने आपको प्रेजेंट की है उस लॉजिक में अल्लाह को नीड थी ह्यूमन की अपने एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करने के लिए, आप कि अगर अल्लाह को अल्लाह ताला को जरूरत थी अपने एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करने के लिए एक मखलूक बनाने की, ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस जो मतलब अर्थ पे जो रह रहा है इंसान रह रहा है ये पहली मखलूक है? बस बेहतरीन, खत्म होगी गेम, जो कोई ना कोई तो पहली होगी ना, एलियन होंगे पहले, वो एलियन को बनाने के लिए भी अल्लाह को जरूरत थी, बात खत्म। सो बेसिकली अल्लाह को जरूरत थी चाहे कोई भी मखलूक बनाए, क्योंकि अल्लाह अव्वल मीन्स के जब वो है तो कोई और नहीं है, अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर है, तो चूंकि अल्लाह अव्वल है और अल्लाह आखिर है, तो अल्लाह जिस वक्त अव्वल था और कोई और नहीं था, चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो जो उसने पहले बनाए थे, तो भाई अल्लाह को बनाने की जरूरत। अच्छा सुनिए आप, अच्छा अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अच्छा यार एक मिनट रुको अब्दुल्ला मेरानी भाई, मैं एक पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ एडम। अच्छा इसका जो दूसरा पार्ट है वल अव्वल वल आखिर, ये जो आखिर वाली बात है ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, कैसे बताऊं एडम जी सर? वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अव्वलू का जो तुमने तो इसका पूरा तिया पाचा कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि जो आखिर वाला जो स्टेटमेंट है वल अव्वलू वल आखिर, अल्लाह आखिर है, तो अल्लाह आखिर हो ही नहीं सकता क्योंकि
आप देखो कि जो कयामत की जिंदगी है, जो जन्नत और जहन्नम मिलने वाली है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, फॉरएवर एवर, फॉरएवर है। तो आखिरी अल्लाह हो ही नहीं सकता अकेला। मेटाफोरिकली भी तो यूज हो सकता है ये चीजें, मेटाफोरिकल है, चले मेटाफोरिकल हो गया, मेटाफोरिकली भी तो यूज हो सकती है। मेटाफोरिकल एक इंसान कह रहा है मैं लास्ट हूँ और वो लास्ट है नहीं, उसके साथ नहीं, पूरा, नहीं, 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 पूरा गांव है आप। अरे यार भाई मेरे, आप भी एक इंसान है और जो क्रिएटर है तो अपने क्रिएटर जो अपने अपने मखलूक को समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए अपने इंसानों की बात करें तो इंसान को समझाने के लिए कि मैं अनंत हूँ, मेरी कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं है। Oh my friend, नहीं है ना, my friend, end नहीं just, है उसका। You just destroyed Islam. You don't realize that. आपने अभी के अभी इस्लाम को तबाह और बर्बाद कर दिया। आप दूसरे भाई को कह रहे थे, आप अभी दूसरे भाई को कह रहे थे अगर आपको किसी चीज का इल्म नहीं है तो मत बोले, देखें मैं इन लोगों को कैसे फंसाता हूँ। आप 5 मिनट में आपने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आप कहेंगे अल्लाह अव्वल नहीं है, आपने इस्लाम का तिया पांचा कर दिया। आए चलते हैं शमशान घाट और अल्लाह के जनाजे के ऊपर जाके। अगर अव्वल नहीं है ना अल्लाह, तो इसका मतलब है अल्लाह का भी कोई क्रिएटर है, बिकॉज गॉड हैज टू बी क्रिएटर। अगर वो गॉड है तो गॉड हैज टू बी फर्स्ट, तो खुदा को हमेशा पहले होना जरूरी है क्योंकि ही इज द क्रिएटर। अगर कोई भी मखलूक गॉड के साथ मौजूद है तो वो भी क्रिएटर्स में से है, क्रिएटर नहीं है, तखलीक करने वालों में से है, तखलीक करने वाला नहीं है भाई। मुझे, मुझे यार सुने, कान को खोले, दिमाग को खोले, थम्स अप पिए और सुने। आपकी असल चीज आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे इस्लाम खत्म होता है। सुने, अगर अल्लाह के साथ उस वक्त कोई भी और था, कोई भी और एक भी बंदा और था, वो खुदा है, वो भी अल्लाह के साथ खुदा है। और अगर नहीं था तो ही इज द ओनली क्रिएटर, वो अकेला क्रिएटर है, वरना उसके साथ मजीद क्रिएटर्स हैं। दिस इज द लॉजिक वन ऑन वन ऑफ इस्लाम। लिहाजा चूंकि अल्लाह अकेला था वहां पे, लिहाजा अल्लाह मियां अपनी सिफात में इनकम्प्लीट थे विदाउट ह्यूमंस या विदाउट हिज तखलीक, क्योंकि वो अपनी सिफात को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। मेरी बात सुनिए आप, तो भाई मेरे एक बात बताएं आप, ये जो प्लेटफॉर्म आपने जो बना रखा है, ये प्लेटफॉर्म फिर इसको यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बनाए ना आप इसको। नहीं सर, हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ मुसलमानों के बारे में, क्योंकि हम मुसलमानों के, क्यों? हम एक्स मुस्लिम्स हैं। नहीं, एक्स मुस्लिम से, लेकिन आप जाते यहाँ पे, अगर आप क्रिएटर की बात कर रहे हैं, आप दूसरे चैनल पे जाएं जहाँ पे आपने एंटी हिंदू सुनना है या एंटी क्रिश्चियन सुनना है, दूसरे चैनल से वहां पे जाके सुने। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लॉजिक आप आज अल्लाह ताला का बाहर हो गया, आउट ऑफ कोर्स चला गया, अब ये कह रहे हैं कि दूसरे मजहब के साथ भी लड़ाई करते हैं, वही हो गया ना कि इनको नहीं, इनको एक जो है ना वो बैसाखी चाहिए ना। आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो एक पैर से अभी लंगड़ा हो चुका हूँ, तो आप कोशिश करते हैं किसी ना किसी फिर से ऊपर खड़े होने के लिए। ये आदत है, आप जो अपने जो प्लेटफॉर्म बना रखा है यहाँ पे, आप जो नेट प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, आप जो वनडे खेलते हैं भाई, नेट प्रैक्टिस नहीं खेलते, वनडे खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं आप यहाँ पे, एडम भाई खास करके स्पेशलिस्ट टेस्ट में तो ये नेट प्रैक्टिस के अंदर कोई भी ट्रिप हो जाता है आपके पास में, तो आप मानते हो कि आप मकसद हल हो जाता है? नहीं, आपका मकसद हल हो जाता है। प्रॉब्लम यही है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी कोई इस्लाम पर जानकार नहीं हो जाता, लेकिन जो नॉर्मली जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो बेचारे वो मुसलमान रहता है जिनको इस्लाम के ताल्लुक से कुछ डिटेल्स मालूम नहीं रहती, और वो आपके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपके उलमा क्यों नहीं आते थे? हाँ, थैंक यू। आपके उलमा क्यों नहीं आती है? आपके उलमा क्यों नहीं भेजते? आपको चंदा देते हो या नहीं देते हो? अब्दुल्ला मेरानी साहब, याद एक डिबेट मैंने देखी थी जिसमें मुफ्ती हमदर्द जो और सचवाला साहब, हमदर्द और हमदर्द को तो आप 12 बजे ही देख रहे हैं, उसको तो वहां जाके मैंने रखा है। वो जब भी वीडियो दिखा रहा था कि किला ठोकूंगा, वो इतना जबरदस्त किला ठुका है उसके अंदर कि अब उसको 12 बंदे देख रहे होते हैं जब वो लाइव जाता है। बस कर दे हमदर्द की, तो बम में दर्द कर दिया मैंने, खत्म हो गया हमदर्द, कोई और बंदा ला। मुफ्ती यासर नदीम सुन, मुफ्ती यासर नदीम अलवाजदी को लेके आप, मैं अपने पास से, खुद अपने पास से उसको 1,00,000 रुपीज दूंगा अगर वो मेरे साथ डिबेट करने आ जाए मेरे चैनल पे। 1,00,000 इंडियन रुपीज उसको दूंगा सिर्फ 1 घंटे के।
कोई बंदा नहीं होगा शायद जो 1 लाख इंडियन रुपीज एक घंटे के कमाए, मैं उसको दूंगा। अरे भाई आप एक काम चलिए चलिए आप एक काम कीजिए, आप जो है रूबरू हुकूमत भी तो आपकी है, पेट्रोनेज मिला हुआ है आपको। अरे भाई सुने मेरी बात, किसी भी बंदे ने मुझसे वर्बल डिबेट करनी है, हैंड जॉब या ब्लो जॉब नहीं देनी, मुझे नहीं चाहिए रूबरू, मुझे वर्बल डिस्कशन करनी। अच्छा एक मिनट, अच्छा अब्दुल्ला भाई आप 1 करोड़ देने के लिए रेडी है? जी जी चलिए। अच्छा एक काम करो, फेस टू फेस करवाना है ना, किससे करवाना है? फेस टू फेस करवाना है। किससे करवाना है, किसके साथ करवाना है? ये वो मैं आपको कंसल्ट करके बताता हूँ, आप अपने ईमेल अच्छा, अभी आपको भी मालूम है। नहीं नहीं ये मेरा मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ये मेरा पैसा लगाना है किस घोड़े, एक मिनट रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, किस घोड़े पे इनको पैसा लगाना है वो भी नहीं मालूम है। अच्छा अब्दुल्ला मेरानी साहब ये बता दीजिए, 1 करोड़ में जो जीरो होता है वो 1 के पहले होता है कि 1 के बाद होता है? हाँ इनके करोड़ रुपए में, ये इंडोनेशियन रफियर थे, इनसे पूछ ले 1 करोड़ इंडियन रुपीज। अरे यार भाई आप तो, अरे आप लोग तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पे बढ़िया आप अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना अब्दुल्ला मेरानी साहब, अब्दुल्ला बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे। अरे रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, आप 1 करोड़ रुपया देने के लिए रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी। मौलाना कभी रेडी कर रहे? आप बोले आप। अरे मैं रेडी हूँ 1 करोड़, सुनो मेरी बात सुनो, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, इधर आप शो करो स्क्रीन शेयर करके, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है शो करो, और उसके बाद मौलाना को रेडी करो, और उसके बाद फिजिकल डिबेट जो है मैं सेट करते हैं यार भाई, जो आलिम को तो मुन्ना मेरी भाई बात बातें करने लगा यार भाई। अरे मेरे भाई मुन्ना भाई जैसी बात नहीं, तुम पागल लोग जैसी बात कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि हम सब चूतिया है? ये तो आप लेके बैठे हो ना, कहां से लेके आए 1 करोड़ दोगे? हर मामले में झूठ। मैं फिजिकल डिबेट करने को तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ फिजिकल डिबेट के लिए। चलो 1 करोड़ रुपया है क्या तुम्हारे पास, बताओ इधर अकाउंट दिखाओ 1 करोड़ रुपया। नहीं एक काम करेंगे, नहीं एक बात है क्या, अरे आपको ये प्रूव करने की मेरे को जरूरत क्यों, आप डिबेट कीजिए। आपने क्लेम किया मैं 1 करोड़ मान लेने का, कुछ भी फेंक दोगे तो मान लेने का। नहीं आप एक काम करें, आप ये थर्ड पार्टी जो है कोई जिसपे कंसेंसस बन जाता है रखवा देते हैं। अच्छा चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चुप करके सुने अब जरा, चुप करके सुने। आप 1 करोड़ की बात करें, ये बहुत कम कीमत है, इस कीमत में मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? आप इस 1 को 10 करोड़ करें और दुनिया के जिस जगह पे कहेंगे एक्सेप्ट फॉर अ मुस्लिम कंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए जिसका कानून नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, लॉ नॉन मुस्लिम हो, कानून दो नॉन मुस्लिम हो, वहां पे आके मैं डिबेट करूंगा। 10 करोड़ होनी चाहिए कम से कम इंडियन। अरे भाई तू 10 करोड़ बोल रहा है ना, मैं तो 1 करोड़ में भी रेडी हूँ ना, मैं 10 में कर रहा हूँ ना भाई, मैंने चेहरा रिवील भी तो करना है, तूने तो चेहरा रिवील कर दिया, मैंने करना है। इमाम भाई मैंने आपको एक फोटो सेंड किया है, इमाम भाई को फोटो सेंड किया है। 1 करोड़ इनके पास है भी क्या, नहीं वो भी तो देख ले पहले भाई, हम तो 10 करोड़ से कम में नहीं करेंगे भाई। अरे यार भाई मेरे आपको, आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कंसेंसस, अभी इसमें कंसेंसस क्या चाहिए कि थर्ड पार्टी के ऊपर एक कंसेंसस रख लेते, इस पे आप भी ट्रस्ट करें, हम भी ट्रस्ट करें। अरे मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी, आप प्रूफ मांग रहे हैं ना मेरे से 1 करोड़ रुपए का, तो है क्या नहीं आपके पास, कैसे मांग रहे हैं ना मेरे से? अरे यार टाइम वेस्ट, आप हर बात पे आप जो है ना इधर अपने आप का अपनी बेइज्जती करा के जा रहे हो अब्दुल्ला भाई, आपने आपको हिंदुइज्म की कोई नॉलेज नहीं, आप यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो। नहीं आपको अथॉरिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम का भी आपने पूरा आपने डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद की बेइज्जती हो रही है, आपको इसका फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हाँ कितने देख रहे हैं बता दीजिए आप पहले इनको, 6600 लोग देख रहे हैं रात के 2 बजे और इनको जो है इतनी बेइज्जती अपनी बर्दाश्त है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है, काफी वक्त हो चुका है, 4:30 घंटे होने आ गए हैं।
अब्दुल्ला मेहरानी साहब, जब भी आपके पास 1 करोड़ रेडी हो जाएंगे आप ज्वाइन कर लेना। सही में यार अच्छा पकड़ा आपने भाई। देखे अब ये जो इतना लोग कहते हैं ना कि एडम तुम चेहरा दिखाओ, फेस रिवील करो, देखो फेस रिवील पार्टी में मैंने कीमत लगा दी है 10 करोड़ इंडियन रुपए। फेस रिवील पार्टी मुंह दिखाई कितनी बड़ी कीमत। ये तो हमारे की कीमत डिफरेंट होती है ना, मेरी कीमत 10 करोड़ है, मुंह दिखाएगी लेकिन डिबेट के लिए, डिबेट के लिए, और डिबेट में जो कुछ करूंगा अगले बंदे का वो फिर देखिएगा। लेकिन यार इतना बड़ा फेंकते क्यों है यार एडम, ये हमारे मोमिन भाई आके। भाई हम तो उतना ही फेंकते जितना हम दे सके। मैंने $1,500 की बात की थी, हमने कभी नहीं कहा हम 1 करोड़ देंगे। हम हमारी जितनी औकात है, पहले 10-20 हजार बोलते थे, अब बोलते हैं कि ठीक है मेरे तरफ से 50,000 और तेरे तरफ से 50,000, जितना दे सकते उतना ही बोलते है। ये इनके 1 करोड़ क्या, ये 1 करोड़ इनके, इन्होंने जिनसे कर्ज वर्ज लिया रहेगा अगर वो देख रहे तो इनके पीछे पड़ जाएंगे जाके। चला 1 करोड़ रख के हमारे से कर्ज क्यों ले रहा भाई तू। That is good. यार इनकी जिंदगी में इनको, इनकी जिंदगी में इनको गोलियां निकलवानी पड़ेंगी। टैक्स वालों को भेजो इनके घर, ये 1 करोड़ रुपए बांट रहे। हाँ और ये भी सही है, मन्ना चंदा जी वगैरह टैक्स रिटर्न दिखाने के लिए बोलो। अरे यार ओके गाइज, चलिए मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया आज का भी स्ट्रीम, 1.5 घंटा ऊपर हम चल रहे हैं वक्त के हिसाब से।